दिल्ली से हैं इमरान, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे हकीम साहब, ये दाद बहुत सारे हो रहे हैं। दाद? हाँ, और एक एक मेरे भाई है, उसके बच्चे भी नहीं है 10 साल से। दाद वाले की उम्र और भाई की उम्र? दाद 22 साल गए। और बच्चे जिनके नहीं है? उनके 30 साल है भाई की, और 35-40 साल उनकी भाई की है। ठीक है, तो देखिए, जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए नुस्खा लिख लें, कभी गलती ना करें। इसबगोल की भूसी मेडिकल स्टोर पर मिलती है, जिसे सत इसबगोल भी कहते हैं, मशहूर चीज़ है, एक भूसी है, वो मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। एक चम्मच इसबगोल की भूसी भर कर एक गिलास गर्म दूध में मिलाएं और हिलाते रहें, गांठें ना पड़ने दें। मीठा भी मिला लें, शक्कर वगैरह खूब मिला लें। और एक आता है गोंद चिलगोजा, चिलगोजा का गोंद, गोंद चिलगोजा सर्च करें, और वो एक चुटकी गोंद चिलगोजा और एक चम्मच इसबगोल की भूसी गर्म दूध में मिलाकर रोजाना रात को आपके भाई और भाभी बस एक खुराक ले लिया करें 24 घंटे में, और एक चुटकी ज़्यादा ना ले, बहुत तेज़ दवा है ये, तो बहुत जल्दी उनका साहिब उम्मीद होना मुमकिन है। और दाद जिनके हो रहे हैं वो उन दाद पर ऐसे लहसुन रगड़ें और उसका पानी उस पर लगा दें, थोड़ी मिर्चें लगे तो बर्दाश्त कर लें, ज़्यादा लगे तो बर्फ़ से सिकाई कर लें, ऐसा रोज़ाना करें। जब वो दाद वाली जगह सिकुड़ने लगे, झुलस सी जाए, जल सी जाए, तो फिर लगाना बंद कर दें। अब इस पर तेल लगाया करें नारियल का, रोज़ाना मालिश कर सकते हैं, और ये जो जल गया है, झुलस गई है जगह, ये जब इससे खुरंट उतरेगा तो नीचे से उनको फ़ायदा मुमकिन है।